राजेश कुमार मिश्र, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वरिष्ठ छात्र नेता, आप समस्त जनमानस को TST न्यूज की तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं TST न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ लेके आई। नजर डालते हैं आज की खबर पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। छात्र संघ चुनाव जीतने के लिए सभी पद के प्रत्याशी साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा बसपा गठबंधन कर चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी अंबिका प्रसाद का कहना है कि इस बार के चुनाव में हमारे विरोधी प्रत्याशी के पसीने छूटे हुए हैं। इस बार दोनों पार्टियों का गठबंधन चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। इस बार छात्राओं का रुझान भी हमारी तरफ दिखाई दे रहा है। यदि छात्र छात्राओं ने हम पर विश्वास करके हमें जिताया तो हम विद्यापीठ को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ऊपर तक जाएंगे और हर संभव प्रयास जो हमसे होगा हम करेंगे। बहरहाल ये बात सिर्फ चुनावी जुमला है या सच्चे वादे, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। वाराणसी से शिवानी शाह की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अंबिका प्रसाद है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में हमारा माहौल इसमें बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे माहौल से हमारे विरोधियों का हवा में उड़ गए हैं। और इस समय हमारे जो यूनिवर्सिटी में समाजवादी छात्र सभा से हम अधिकृत प्रत्याशी हैं और सपा बसपा से यहाँ गठबंधन से भी यहाँ पे चुनाव हो रहा है। क्या कांग्रेस आपके पक्ष में है? नहीं, कांग्रेस पक्ष में नहीं, कांग्रेस का अकेला प्रत्याशी अलग प्रत्याशी है। अकेला प्रत्याशी है। क्या कुछ और नया किस चीज़ करना चाहेंगे इसमें इस छात्र आपके प्रति रुझान आए? इस यूनिवर्सिटी में नया चीज़, इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक साल में हमें इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दें। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए TST न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।